इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के जस्ट पास आप मान लीजिए कि ये एस है, ठीक है, और ये है बेटा आपका पी, और ये है डी, और ये रहा आपका एफ। अब आप खुद देख के बताइए कि एस जो है हमारा न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, तो केमिस्ट्री में इसी को बोलते हैं कि एस ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। उसके बाद एफ सबसे दूर है तो हम कहेंगे कि एफ लेस पेनिट्रेटिंग है। तो पेनिट्रेशन का मतलब बेटा यही हो गया क्लोजनेस, है ना। अब मान लीजिए एस में इलेक्ट्रॉन है आपका और पी में है, तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से। एस और पी में जो है इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस से, लेकिन डी और एफ में जो है वो बेटा पुअरली जो है अट्रैक्टेड होता है, ठीक है ना। तो हम यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो एस सबसेल का, फिर पी का, फिर डी का, और सबसे कम एफ का, ठीक है। आइए इसका एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, है ना, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन, बेरिलियम और बोरान का कंपैरिजन करते समय हम पेनिट्रेशन इफेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे 1s2 इसका हो गया बेटा 2s2, इसका 5 होता है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1, ये हो गया 2p1। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट आप तभी लगा सकते हैं जब n दोनों का सेम हो। देखिए n दोनों का सेम हो, ये n इज इक्वल टू 2 यहाँ भी है, n इज इक्वल टू 2 यहाँ भी है, यानी 3s और 4s, 3s और 4p में मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे n क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इतना बात ज़रूर याद रखिएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट आपका तभी लगता है जब n सेम हो, यानी शेल सेम हो, सब सेल डिफरेंट हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए एस न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा कि पी ज़्यादा करीब होगा। तो एस ज़्यादा करीब है, तो जो एस टू इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा एस कंपेयर टू पी। तो इसलिए जो है बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज़्यादा होती है। और इतना बात ज़रूर याद रखिएगा कि पेनिट्रेशन इफेक्ट तभी लगाते हैं जब एन सेम हो और सबसेल जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पेनिट्रेशन इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद।